अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ हुसैन, एबी हसन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बहरिया टाउन कराची। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची का प्रिसेंट नंबर 4 के बारे में। प्रिसेंट नंबर 4 जो कि बहरिया ने इसकी कटिंग दी है 500 स्क्वायर यार्ड्स के। नाजरीन, 500 स्क्वायर यार्ड्स का ये प्लॉट बहरिया टाउन के मेन गेट से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। यहाँ पे 30% बेंगलोस रेडी हो चुके हैं, 20% बेंगलोस अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बेहतरीन प्रिसेंट है और यहाँ पे रेडी विलास भी मिल सकते हैं, यहाँ पे प्लॉट्स भी आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे बेहतरीन प्रिसेंट है। नाजरीन, प्रिसेंट 4 बेहतरीन लोकेशन में मौजूद है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नियर मिडवे कमर्शियल ए और मिडवे कमर्शियल बी है और साथ साथ बहरिया का हेड ऑफिस भी है। मिडवे कमर्शियल के बारे में आपको थोड़ा बताता जाऊं कि यहाँ पे बहरिया की जो मेन मार्केट है वो मिडवे कमर्शियल ए और बी है। यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी के सारी चीज़ें मुयसर हैं। नाजरीन, ये मेन गेट से करीब तरीन प्लॉट है जो 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स में शामिल होते हैं। प्रिसेंट 4 बिल्कुल लेवल जगह है और डेवलप्ड हो चुकी है। काफ़ी टाइम पहले बहरिया ने पोजीशन दी थी और यहाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाजरीन, इसकी हम सराउंडिंग्स यानी इर्द गिर्द के जो प्रिसेंट्स है उसकी बात करें तो एक साइड पर है मिडवे कमर्शियल ए और बी, दूसरी साइड पे है प्रिसेंट 6 और एक साइड पे है प्रिसेंट 3। नाजरीन, प्रिसेंट 4 की एक क्वालिटी आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे बहरिया ने रेन डैम बनाया, बारानी डैम, और दूसरी बात यहाँ से बहरिया हिल्स की व्यू भी नज़र आती है, और तीसरा मिडवे कमर्शियल नज़दीक है जो कि बड़ा खूबसूरत व्यू बनता है। और प्रिसेंट 4 की सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये बहुत हाइटेड जगह पर है। अगर प्रिसेंट 4 में आप घर लेना चाहते हैं या प्लॉट लेना चाहते हैं या प्लॉट सेल करना चाहते हैं, दूसरी बात अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नाजरीन, इसके साथ अगर आपको बहरिया टाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।